नमस्कार दोस्तों, सिंपल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ड्यूअल स्टार्टर। आज देखेंगे ड्यूअल स्टार्टर काम कैसे करता है, क्या होता है, इसका पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं, कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारा सीखेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यहाँ पे एक बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ड्यूअल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑन लाइन। इस स्टार्टर में हम मोटर को डायरेक्टली लाइन वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। जनरली आपने पढ़ा होगा, स्टार्टर का यूज़ हम करते हैं स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए। बस ड्यूअल स्टार्टर में हम ऐसी कोई मेथड यूज़ नहीं करते जिससे कि स्टार्टिंग करंट कम हो, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। जनरली स्टार्टर का यूज़ होता है 5 HP तक के मोटर्स के लिए। इस स्टार्टर को क्यों यूज़ करना है, इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। इस स्टार्टर के जरिए आप मोटर को रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा होता है नो वोल्ट प्रोटेक्शन। आप एज्यूम कर लिए कि आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में है और पावर फेल हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद पावर वापस चली आती है। पावर वापस आने के बाद ये मोटर को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं होने देता है, यही होता है नो वोल्ट प्रोटेक्शन। जनरली दोस्तों, 2 टाइप्स के डायग्राम होते हैं। पहला होता है पावर डायग्राम, दूसरा होता है कंट्रोल डायग्राम। पावर डायग्राम आपको ये बताता है कि मोटर का कनेक्शन सोर्स से लेकर मोटर के टर्मिनल तक कैसे पहुंचा है। कंट्रोल डायग्राम आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर स्टार्टर काम कैसे करता है, ऑन ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है, प्रोटेक्शन फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ड्यूअल स्टार्टर के पावर डायग्राम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आता है MCB। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप साइड में इसका स्टैंडर्ड सिंबल भी देख सकते हो। MCB के बाद आता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर का मेन काम होता है मोटर को ऑन और ऑफ करना। पावर कॉन्टैक्टर में 3 मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, L1, L2, L3 इसके पावर कॉन्टैक्ट्स है, और उसके बाजू में एक छोटा सा कॉन्टैक्ट है 13 और 14 नंबर का, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की करंट कैरिंग कैपेसिटी पावर कॉन्टैक्ट से कम होती है, और इसका यूज़ होता है कंट्रोल सर्किट में। आगे हम जब कंट्रोल सर्किट देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्टैक्टर के बाद आता है ओवरलोड रिले, इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी बोला जाता है। इसका मेन काम होता है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। ओवरलोड रिले के बाद हम कनेक्शन देते हैं मोटर के टर्मिनल्स में। यह है बेसिक पावर डायग्राम। दोस्तों, इस तरह का स्टार्टर भी आपने देखा होगा, जनरली L&T कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। हमने भी यहाँ पे सीक्वेंस देखा है, पहला MCB आता है, उसके बाद कॉन्टैक्टर आता है, उसके बाद ओवरलोड रिले आता है। जनरली इस टाइप के स्टार्टर में ऊपर ओवरलोड रिले आता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट आता है। दोस्तों, सीक्वेंस चेंज होने से स्टार्टर के फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, पहले ओवरलोड रिले आए या कॉन्टैक्टर आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका फंक्शन वही रहता है। दोस्तों, अब देखते हैं हम इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाते हैं। कंट्रोल डायग्राम बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन का मतलब होता है अभी हमने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है, ये प्रेस करने से पहले की कंडीशन है। प्रेस करने के बाद ये कॉन्टैक्ट ओपन से क्लोज हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसके बाद आता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। जनरली हम स्टॉप पुश बटन के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप नीचे रेड कलर का पुश बटन देख रहे हैं, इसको जब हम प्रेस करेंगे तब ये कॉन्टैक्ट NC से NO हो जाएगा, मतलब अभी क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल। देखिए, 3 टाइप के सिंबल है, इसमें से कोई भी सिंबल सर्किट में यूज़ किया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये सिंबल कौन सा है। उसके बाद आता है MCB का। MCB देखिए, ये 2 टाइप के सिंबल होते हैं, इसमें से कोई भी सिंबल हम सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाना है। कंट्रोल सर्किट में पहला कंपोनेंट आता है MCB। फेज से एक वायर निकलता है, उसको हम देते हैं MCB में। यहाँ पे MCB की जगह पे फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं। MCB के बाद आता है ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट। इस ओवरलोड रिले का 95 और 96 नंबर कॉन्टैक्ट NC है। MCB से जो वायर निकलेगा वो जाएगा 95 नंबर टर्मिनल पे, और 96 नंबर टर्मिनल से वायर निकल के वो आगे जाएगा स्टॉप पुश बटन के NC में। यहाँ पे हमने स्टॉप पुश बटन का NC एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। स्टॉप पुश बटन के बाद आगे वायर जाएगा स्टार्ट पुश बटन के NO में। स्टार्ट पुश बटन के बाद हम सप्लाई देते हैं कॉन्टैक्टर के कॉइल को। यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्टैक्टर के कॉइल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, A1 और A2। यहाँ पे हम 230 वोल्ट का
कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पुश बटन के बाद जो वायर निकलेगा वो जाएगा सीधा A1 में, और A2 में हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का NO कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं पुश बटन के अक्रॉस, इसको बोलते हैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट क्यों यूज़ करते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं ड्यूअल स्टार्टर का वर्किंग। आपके सामने कंट्रोल सर्किट डायग्राम है और पावर सर्किट डायग्राम है। हम यहाँ पे तीन मोड स्टडी करेंगे। पहला तो मोटर को स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, और तीसरा फॉल्ट कंडीशन में ड्यूअल स्टार्टर कैसे काम करता है। अब इस सर्किट को एनर्जाइज करते हैं। चलो हमारा सर्किट एनर्जाइज हो गया है, अब दोनों MCB को ऑन कर लेते हैं। MCB को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल सर्किट देख सकते हो, हमारा सप्लाई आया है पुश बटन के ऊपर, स्टार्ट पुश बटन के ऊपर तक हमारा सप्लाई आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरलोड और स्टॉप पुश बटन का NC एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। पावर सर्किट में आप देख सकते हो, जैसे MCB क्लोज किया हमने, यहाँ पे कॉन्टैक्टर के ऊपर सप्लाई आया हुआ है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ, कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे A1 और A2 को 230 वोल्ट सप्लाई मिला है और मेरा कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज हो चुकी है। जैसे ही कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होती है, ये कॉन्टैक्ट्स को पिकअप कर लेती है इस तरह से, और हमारे मोटर को ओवरलोड रिले के थ्रू सप्लाई मिलता है और मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी तक स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ नहीं किया है। देखिए, जैसे हमारे पावर कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुके हैं, वैसे ही हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सी वो भी होल्ड हो चुका है। अब देखिए, मैं स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ करता हूँ तो क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ कर दिया, हमारा सप्लाई जा रहा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू, इसे बोलते हैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। अगर हम होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो स्टार्ट पुश बटन को जब प्रेस करेंगे और जैसे ही रिलीज़ करेंगे, हमारा मोटर ऑन होकर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हमको मोटर को कंटिन्यूसली ऑन रखने के लिए हमको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हम उसी कॉन्टैक्ट का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ करके स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस उसका कनेक्शन करते हैं। आई होप आपको ये होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं मोटर को स्टॉप कैसे करना है। मोटर को स्टॉप करने के लिए जैसे ही स्टॉप पुश बटन को हम प्रेस करते हैं, कॉन्टैक्टर के कॉइल का सप्लाई कट ऑफ होता है और कॉन्टैक्टर रिलीज होता है और मोटर हमारी बंद होती है। आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आया होगा, ड्यूअल स्टार्टर को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं। अब देखते हैं ओवरलोड कंडीशन में ये स्टार्टर काम कैसे करता है। एज्यूम करते हैं हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में है, और ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि मोटर पे ओवरलोड कंडीशन हुई है। इसकी वजह से क्या होगा, मोटर एक्सेसिव करंट ड्रॉ करने लगेगी। हमारा जो ओवरलोड रिले है वो क्या करेगा, एक्सेसिव करंट की वजह से ओवरलोड का जो हमने कॉन्टैक्ट यूज़ किया है NC कॉन्टैक्ट, उसको एक्टिवेट करेगा और वहाँ पे सर्किट ओपन करेगा। जैसे ही ओवरलोड का NC ऑपरेट होता है, हमारे कॉन्टैक्टर कॉइल का सप्लाई कट ऑफ होता है और कॉन्टैक्टर बंद होता है और मोटर का सप्लाई कट ऑफ होता है। इस तरह हमारी मोटर जलने से बच जाती है। अब इसको रिसेट करने के लिए आपको मैनुअली यहाँ पे प्रेस करना होता है, और उसके बाद आप फिर से इस सर्किट को स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मोटर ओवरलोड क्यों हुई थी। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ड्यूअल स्टार्ट के बारे में आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, हम आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए।